बच्चे को मन किया कि लाल वाले फल को खाऊंगा, उड़ गया, देखा दूर है, जाके खा गया, पूरे धरती पर अंधेरा छा गया, बाद में पता चला कि वो तो सूरज था। इस देश में ऐसे ऐसे लोगों की भी पूजा होती है। आपके सामने आठ हाथ के लोग आ जाए, अभी यही बाहर निकलो, आप आठ हाथ की एक महिला आ जाए, आप पूजा करोगे कि झोला झक्कड़ लेके भागोगे? जिस दिन मंदिर की मूर्तियां सच बोलने लगे, पुजारी और पूजा करने वाले दोनों न भाग जाए तो कहिएगा, क्योंकि हम झूठ बोलकर तो उनके सामने माफी मांगने जाते हैं। आज हम बोलेंगे तो हमें कहा जाता है कि भड़काने के लिए बोल रहे हैं। इस देश में गरीब कमजोर की भावना कोई भावना नहीं है क्या? भावना केवल ये धर्म वालों की है, जिन पर कोई बात बोल दो तो धार्मिक भावना आहत हो जाती है, मुकदमा ठोक देते हैं। अयोध्या को बनाएंगे विश्व नगरी, बनाओ, तुम्हारी सरकार है, तुम्हें कौन रोक रहा है? जो अपने हक के लिए लड़े, जो अन्याय के खिलाफ लड़े, वो डाकू और गुंडा है। और जो बारह बारह मुकदमा लेकर के जब मुख्यमंत्री बन जाए और अपना मुकदमा वापस करा ले, वो गुंडा नहीं है। मेरा घर जो कि आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की तरफ, तो दिल्ली से आजमगढ़ जाने के क्रम में अयोध्या होकर गुजरते तो कई बार रहे, लेकिन आज पहली बार इस जिले में बतौर वक्ता आपके बीच में आया हूँ। और आयोजकों का बहुत आभार और बहुत बधाई इस बात के लिए कि ऐसे ऐसे माहौल में भी आप इतनी हिम्मत कर ले रहे हैं कि फूलन देवी पर कार्यक्रम कर रहे हैं और उस पर भी हम लोगों को बुला रहे हैं। अब हमें बुलाना आपने तय कर लिया है, जाने के बाद देखिएगा क्या होता है। लेकिन अच्छा है कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जो कुछ दिन पहले तक फैजाबाद था, जब इसका विकास हुआ तो इसका नाम बदल के अयोध्या रख दिया। हालांकि हम लोग पहले जब जाते थे तो दोनों स्टेशन पढ़ते थे, फैजाबाद भी पढ़ता था, अयोध्या भी पढ़ता था। फिर भी पता नहीं क्या, फैजाबाद कबूल नहीं हुआ। मेरे जिले का भी नाम आजमगढ़ है, देखते हैं कब तक वो चलता है, उसका भी नाम बदलना चाह रहे हैं। और मैंने देखा कि 20-25 तो बड़े शहर ऐसे हैं जिसका नाम बदलना पड़ेगा, और गांव तक नाम बदलने लगे तो 2-3 सरकार तो नाम बदलने में निकल जाएंगे, इतने नाम हमारे उत्तर प्रदेश में उस मिजाज के हैं जिस मिजाज वालों से इनको नफरत है। तो ऐसे अयोध्या के इस सरजमी पर मेरे पूर्व के वक्ता अभी बता रहे थे कि भाई ये अयोध्या का इतिहास यही नहीं है, कहते हैं कि उनके भगवान यहां पैदा हुए, मानते हैं वो, लेकिन इसका इतिहास एक बुद्धिस्ट परंपरा का भी इतिहास है। और इस मंच पे भी आपने दो झंडा लगाया है, एक तरफ वाला झंडा जय भीम का है और एक तरफ ये पंचशील का झंडा है। तो मैं रंगों को जब देखता हूं, बाबा साहब को भी नीला रंग बहुत पसंद था, मानवर कांशीराम ने तो उस नीले रंग को राजनीतिक रंग बना करके हाथी का चुनाव चिन्ह लिया, तो हाथी विराटता का प्रतीक, ताकत का प्रतीक, वो तथागत बुद्ध से आ रहा है। और बुलंदी का प्रतीक, हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं वो पीले रंग को बहुत अपनी चेतना से, अपनी विरासत से जोड़कर देखते हैं। लाल रंग को क्रांति का रंग कहा जाता है। और इस पंचशील के झंडे में आप देखेंगे वो सारे रंग हैं। मुझे लगता है एक वैचारिक ताकत हमें अगर कहीं से लेनी चाहिए तो वो तथागत बुद्ध की ताकत है, जो समता और न्याय की ताकत है।
तो ऐसे आयोजन में आज आने का ऐसे वक्त में मौका मिला है जब आज ही के दिन इस देश में एक महिला आदिवासी पहली बार राष्ट्रपति बनी और आज उन्होंने शपथ लिया है। और ये बड़ा दिन है, गौरव का दिन है, मैं तो इसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। नीरज भाई ने जिक्र किया क्योंकि 75 साल में बहुत लोगों का शासन रहा, उन्हें तो नहीं फिक्र हुई कि कोई महिला आदिवासी भी इस राष्ट्र की राष्ट्रपति हो सकती है। बहुत लोगों को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, तो पहली बार अगर कोई बन रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये एक प्रतीकात्मक स्वागत है, प्रतीकात्मक उपलब्धि है, एक व्यक्ति की उपलब्धि है जिसका विरोध आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन व्यक्तियों के बीच में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जिनकी उपलब्धि केवल अपनी उपलब्धि नहीं होती, पूरे समाज की उपलब्धि होती है। और उसी दिल्ली की संसद तक पहुंचने वाली एक वीरांगना का नाम था फूलन देवी, जो केवल व्यक्तिगत नाम नहीं है, वो एक क्रांति का नाम है, एक विद्रोह का नाम है, एक उम्मीद का नाम है। इसलिए आज के दिन फूलन देवी को याद करना मेरे लिए बड़ी बात है। इसको आज सुबह सुबह एक कविता देखी थी, वो सोचते थे हर फूल बेरहमी से तोड़ देंगे, वो सोचते थे कि हर फूल बेरहमी से तोड़ देंगे और बगीचा उफ तक न करेगा, मगर उनका फूलों में बगीचों में फूलन से मिलना बाकी था। नाम रखा था उनका फूलन देव, जो फूल से कोमल। बहुत सामान्य पृष्ठभूमि, गरीब पृष्ठभूमि, क्योंकि शुरुआत फूलन देवी से ही करना जरूरी है, हम फूलन देवी को याद कर रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसी बालिका, एक ऐसी बच्ची जो अपनी मां से इस बात के लिए लड़ती है कि हमारे इलाके में हमारे लोगों का कोई सम्मान क्यों नहीं, कोई भी क्यों अपमानित करता रहता है। बहुत कम उम्र की थी। एक किस्सा मिलता है कि फूलन देवी दिन भर अपने परिवार वालों के साथ मजदूरी करती हैं एक सवर्ण के घर पे, उसका घर की दीवार बनाने के लिए, और शाम को जब जाने लगती है तो उनको मजदूरी नहीं देते, वो काम करा लेते मजदूरी नहीं देते। तो जब वो जाने लगती है मजदूरी नहीं मिलती, अपमानित करते, गाली देते, सारे लोग वापस लौट जाते, फूलन लौट के आती और रात के अंधेरे में जो दीवार दिन भर में बनाई रहती उसे गिरा देती, और उसकी उम्र मुश्किल से 9-8-9 साल की। हमारे यहाँ कहावत है पूत के पांव पालने में, होनहार बिरवान के हो चीखने पाक। कहावत दो ठो हमने बोला, एक की शुरुआत थी पूत के पांव पालने में, तो पुत्रियों के पांव। दूसरी कहावत होनहार बिरवान के, दोनों पुरुषों के ऊपर ही कहावत बनी है। हमारे यहां कविता भी लिखी तुलसीदास ने, तो लिखा कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बेटा अगर लायक है तो पैसा जुटाने की कोई जरूरत नहीं, बेटा ना लायक है तो भी पैसा जुटा क्या करोगे, सब बेच खाएगा। आजकल एक बेटा प्रधानमंत्री बना इस देश का, भाई सदियों से जो आजादी में जितना लायक था, जितना लोगों ने जुटाया था, दोनों। कबीर ने एक दोहा लिखा है, मैं देखिए हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, भाषण वाषण देने मुझे आता नहीं, ये तो सोशल मीडिया की देन है भाई। अच्छा एक बात बताएं, बातचीत करने की शैली में ही करूँगा क्योंकि हम लोग हैं प्रोफेसर लोग, व्याख्यान देने का तो ज़्यादा गंभीर हो जाने पर बात होती नहीं, हम तो अपने गाँव अपने इलाके में आए हैं, मैं तो ये मानता हूँ।
आप लखनऊ और लखनऊ से आगे जितना पढ़ते जाइए, बोली भी लगभग वही मिलेगी, भाषा भी वही मिलेगी, मिजाज भी वही मिलेगा, और वही बदहाली, वही जहालत, वही गरीबी भी मिलेगी। तो हमारे यहाँ कबीर ने का दोहा लिखा है कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीजिए यही सयानों काम। कबीर साहब लिखा तो सबके लिए, लेकिन उल्टा हो गया अब। अब भाई अब क्या हो रहा है, दूसरे का भी जितना हड़प ले वो सब हो रहा है, और दोनों हाथ उलीज के किसको दिया जा रहा है, जो चुनाव लड़वाते हैं अपने दोस्त अंबानी और अडानी जो प्रधानमंत्री बनवाते हैं। तो वो एक बेटा ऐसा भी है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, नारा याद है। बड़े और वैचारिक मंचों से कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। व्यक्तियों की औकात ही क्या है, हम तो प्रवृत्तियों से लड़ रहे हैं। तो उसने बड़ा हाथ फैलाकर नारा दिया था, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब आया रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे हवाई जहाज बेच दिया, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं 58 साल से ऊपर महिलाएं और 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को ट्रेन में टिकट में छूट मिलती थी ना आधा, तो आपको भी बुरा लगता था, आपने उनको जिता दिया, आपकी सिक्योरिटी खत्म कर दी, इंजॉय करिए। सब बेच दिया बारी बारी, और अब जमीन बेच रहे हैं, स्कूल बेच दिया, आपके विषय में आज के कार्यक्रम में लिखा हुआ है, शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, शिक्षा बेच दी, शिक्षा बेच दी, और उसके बाद सब बेच दिया। और उसका दोष क्या दे, उसने तो कहा ही था, मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चल दूंगा, हम और आप सोचे कि आपका क्या होगा हमारा क्या होगा, ये हो रहा हमारे यहाँ। तो लायक और नालायक का तो ये कसौटी हो गई। फूलन देवी अपने घर की एक लायक लड़की थी। लोग कहते हैं बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को ताकतवर कहलाने के लिए मर्दानी कहलाना पड़ता है, यानी ताकत किसके पास होती है, मर्द के पास, औरतें तो वैसे ही कमजोर होती है। इसलिए मुझे इस शब्द से भी आपत्ति है, मैं भी इसका इस्तेमाल करते रहता हूँ। अभी हम आ रहे थे, हमारे सुमित भाई आए हुए हैं दिल्ली से, नीरज भाई है, तो हम ये बात कर रहे थे कि वीरांगना शब्द तो वीर से बना हुआ है, वीर की अंगना, यानी ताकत किसके पास, ताकतवर कौन, पुरुष। महिलाओं के लिए ताकतवर कोई शब्द ही नहीं बना है, हम इतने महिला विरोधी समाज हैं, हमने महिलाओं के नाम पर कहावतें नहीं बनाई हैं, महिलाओं के नाम पर ताकत के शब्द नहीं बनाए हैं, महिलाओं के नाम पर अगर कोई बनाया है तो केवल और केवल गालियां बनाई हैं, हमारी सारी गालियां महिला विरोधी होती हैं। ऐसे समाज में फूलन देवी का जन्म हुआ, और फूलन देवी जो बचपन से ही विद्रोही तेवर के थी, मैं इसलिए वीरांगना की बजाय क्रांतिकारी और विद्रोही फूलन को याद करता हूं, और इसलिए मैं फूलन देवी को याद करते हुए बहुत शिद्दत से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उस फूलन ने सहा अपने जीवन में वह सब कुछ जो इस मुल्क की महिलाएं और उसमें भी कमजोर, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमांदा घरों की महिलाएं जाने कितने सालों से सहती चली आ रही, जो फूलन के ऊपर हुआ वो इस देश में महिलाओं के ऊपर कोई पहली घटना नहीं थी। महिलाओं पर वो जुल्म तो जाने कब से हो रहे थे, मगर महिलाएं उसे सह रही थी। विद्रोह का तेवर बहुत कम निकला। जब हमारे यहां संत आंदोलन चला तो अय्यंकाली से लेकर के तमाम विद्रोही नायिकाएं निकली, लेकिन वो बहुत बाद में आकर के 18वीं शताब्दी 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई फूले के रूप में एक महिला निकली, जिसने अपना घर छोड़ा, समाज छोड़ा, अपनी मर्यादा को छोड़ा, जो समाज के थोपी गई मर्यादा थी,
लेकिन उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, गोबर फेंके गए, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर कीचड़ पत्थर और गोबर फेंकते चले गए और मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को पढ़ाती चली गई, आने वाली पीढ़ियां मेरा हिसाब करेंगी। और आज सावित्रीबाई फूले इस देश की महिलाओं की एक आइकॉन बनकर के उभरे। लेकिन वो झेला जो फूलन ने, वो उन्हें नहीं झेलना पड़ा। लेकिन यह भी सच है कि स्कूल खोलने के लिए, बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए जो काम करना पड़ा था सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को, उन्हें घर से निकाल दिया। यही तो सजा थी उन्हें। ज्योतिबा फूले अगर कोशिश करते कि पुणे के भीड़ावली गांव में राम मंदिर बनवाना है तो हो सकता है चंदा भी मिल जाता, स्कूल बनवाना था घर से निकाल दिया गया। ये फर्क है हमारे समाज में। लेकिन नायिकाएं कैसे, नायक नायिका कैसे उभरते हैं, ये उसका इतिहास है। ज्योतिबा फूले किस जाति से आते थे? माली जाति के थे। और माली आजकल किस कम्युनिटी में आते हैं? अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी में आते हैं। ओबीसी को तो, यहाँ के ओबीसी को तो पता ही नहीं था, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और देखिए भाई, हमने शुरू में ही कर दिया था, आप लोगों ने हमें बुलाया है और नीरज भाई हमारे पहले बोल चुके हैं। और नीरज भाई जहाँ बोल देते हैं वहाँ जैसे लगता है कि एक लकीर खींच दिया है, इसके नीचे तो मत जाना, ऊपर ही रहना। और इतना नाम लेके उन्होंने आलोचना कर दी, और रहते लखनऊ में हैं, इनको पता नहीं बुलडोजर से डर क्यों नहीं लगता है। जब ये नहीं डर रहे हैं तो आप, हम उससे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के पहली आलोचना मैं ये करता हूँ कि इसे उत्तर प्रदेश में मंडल आंदोलन के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग भी ज्योतिबा फूले के नाम पर रखे गए जिले का नाम बदलते हैं, और ये गुनाह आपके लोगों के ऊपर है, और इसे भी आपको याद रखना चाहिए। ज्योतिबा फूले के नाम पर तो जिले का नाम रख दिया था। आज अभी किसी संघी की हिम्मत नहीं होगी कि डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया या फूले के नाम पर कोई इमारत, कोई भी संस्थान रख दिया जाए, उसका नाम बदल के वो दिखा दें। लेकिन हमारे लोगों ने ये गुनाह किया। अब ये जानबूझ के किया या उनसे करवाया गया, गुनाह तो गुनाह है भाई। उसी गुनाह में शामिल था प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ना। माफी तो मांगनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि, मानते हैं कि गलती हुई है, परशुराम की कटार उठाने में हिचक नहीं होती है। और प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया, दो लाइन बोल के कहिए ना कि उससे हमारी गलती हुई, हमारी सरकार बनेगी तो प्रमोशन में रिजर्वेशन रेट्रोस्पेक्टिव ढंग से लागू करेंगे, ये आपको कहना चाहिए। ये काम हुआ तो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, जब ज्योतिबा फूले को घर से निकाला तो स्कूल खोलने के लिए जमीन देने से लेकर रहने के लिए घर देने वाले शख्स का नाम था उस्मान शेख, और उनकी बहन फातिमा शेख उनके स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। उस साझे विरासत वाले ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख के देश में आज यहां पर बोला जा रहा है 80% हिंदुओं एक हो जाओ, 20% मुसलमानों को इस देश से बाहर करना है, इसलिए 85% बहुजनों मैं तुमसे पूछने आया हूं, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है क्या? अगर मुसलमान दुश्मन होता तो उस्मान शेख और फातिमा शेख कौन थे? आपके जड़े कहां है, मैं केवल उसी से आपको रूबरू कराने आया। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नया नहीं। हो सकता है मेरे बोलने के बाद इस परिसर में बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए, मैं तो कई बार जाके संकोच में आता हूं नीरज भाई, कि जितनी हमारी उम्र नहीं उससे ज्यादा तो लोग संघर्षों में अपना जीवन खपा दिए होते, वो हमारे सामने बैठे होते। हम आपसे ऊर्जा लेते हैं साहब, और हम तो फिर भी दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, गाय भैंस चराते थे वहीं आजमगढ़ में, और कोच नहीं पता था कि एक दिन वहां पहुंचेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, जब ये बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हैं अपना प्रचार खुद ही करता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर है,
अरे हम ये प्रचार नहीं कर रहे, हम ये बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद हमारे ही प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे घरों के बच्चे कहाँ जाएंगे। तब मुझे चिंता होती है कि हम तो जातिवादी नहीं थे साहब, ये तुमने हमें जातिवादी बनाया। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं और मुझे कांटा बना कर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। हम तो नहीं मानते थे जाति, तुमने हमें एहसास कराया कि हम अहीर के बच्चे हैं, हम गाय भैंस चराएं तभी अच्छे लगते हैं, हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएं तो तुम्हारी आंखों को चुभते हैं। अरे प्रोफेसर की बात छोड़िए, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन जाए भी अहीर का बच्चा, तो वो जब जाए तो गंगा जल से उसका घर शुद्ध कराना पड़ता है, फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि जाति क्या चीज होती है। आपके अपने प्रदेश की बात है भाई, गंगा जल से धुलवाया था ना, ये जाति का मयार है। आप मानो न मानो, ये वो संरचना है जो आप जब मर जाओ, आपके घर के लोग मर जाएं तो दफन कहां होंगे उसमें भी जाति खोज लेते हैं। और अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, उस लाश को कब्रिस्तान से उठाकर बाहर करवाया कि ये अछूत जाति के लोग हैं, यहां दफन नहीं हो सकते। उस संरचना का नाम है जाति। कांवड़ ढोने वाले यात्री अगर दुर्घटना के शिकार हो जाएं, तो 7 या 9 लोग मरे थे और प्रेस विज्ञप्ति करके सरकार बताती है कि 2 गड़रिया है, 2 कुर्मी है, 2 ये है और 1 बाभन है, ये है जाति। और आप हमसे कहते हो कि हम जातिवादी हैं। अच्छा अगर वो सब, वो तो सरकारी दस्तावेज था, ब्राह्मण को लिख रहे ब्राह्मण और बाकी 2 को लिख रहे गड़रिया, फिर भी गड़रिया लोग सोचेंगे हम तो हिंदू हैं साहब। आपको वो हिंदू मानता कहां है, जैसे फूलन देवी को वो इंसान ही नहीं मान रहे थे। अगर इंसान मानते तो जिस महिला का कम उम्र में शादी अपने से 2-3 गुना उम्र के व्यक्ति के साथ गरीबी मजबूरी लाचारी में की गई, वो जाकर अपने ससुराल में भी शोषण और वंचना का शिकार हुई, बीमार हुई कम उम्र की लड़की, वापस घर लौट कर आई और कही कि मैं वहां जाऊंगी नहीं, घर वाले बेचैन परेशान कि हमारे यहाँ तो कहावत बन गई कि घर से बेटी विदा होती है डोली पर और ससुराल में आती है डोली पर लौटेगी तो उसकी अर्थी लौटेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, फूलन अपना घर छोड़ कर आई। देखिए भाई मैं बात कर रहा हूँ फूलन देवी की। और दूसरी बात एक और मैं कहता हूँ, जिस मंच पर इतने बड़े बड़े लोगों की आप तस्वीरें लगाते हैं ना, इस मंच की गरिमा ये इस बात में है, या तो इस मंच पर आइए मत और बोलिए मत, और या तो बोलिए तो ईमानदारी और आंख में आंख डाल करके वो सच बोलिए जो इस वक्त में कहना सबसे जरूरी है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। तथागत बुद्ध और बिरसा फूले अम्बेडकर पेरियार का नाम लेकर के यहाँ छोटी छोटी मीठी मीठी चुपड़ी बातें की जाए, उससे इस कार्यक्रम का कोई शोभा नहीं। मैं इसलिए फूलन देवी को याद करते हुए उस भाव को सोच रहा हूं जो उस लड़की के मन में था। उस लड़की ने यह बात घर वालों को बताई कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो मेरा शोषण करते हैं। मैं आपसे हाथ उठा के पूछ रहा हूं कि हमारे आपके गांव में मोहल्लों में ऐसे शोषण सहती हुई महिलाएं नहीं है, हर गांव हर कस्बे में हैं। और मैं जब यहां खड़ा हूं तो 2 पहले आदिवासी आइकॉन बन करके उभरी एक ऐसी महिला से मिलकर आया हूं, उससे इंटरव्यू लेके आया। उस महिला ने यह बताया कि जब मैं आदिवासियों के स्कूल खोलने के लिए उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आई तो हमारे यहाँ आदिवासी इलाकों में पुलिस और सेना आकर कब्जा कर लेती है इमारतों पर। ध्यान से समझिएगा उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके ही इसी राज्य के 1200 किलोमीटर दूर आपके इस चंबू द्वीप आर्यावर्ते भारत खंडे में क्या क्या हो रहा है और आज हो रहा है। और फूलन देवी को याद करते हुए मैं उस महिला को याद कर रहा हूं। उसने स्कूल खोला,
गांव-गांव आदिवासियों के बीच में जाकर कहा कि हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम आओ अपने बच्चों को भेजो। उन आदिवासी लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे अगर दिन भर स्कूल में रहेंगे तो रात में हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। तो उस महिला ने कहा कि हम रहने का हॉस्टल भी बनवाएंगे। तो एक हॉस्टल और एक सरकारी शिक्षिका बनकर के वो महिला अपने इलाके में जब शिक्षा की अलग जगाना शुरू की, पुलिस वाले आकर के सेना वाले उस स्कूल की इमारतों पर छुपने लगते थे, तो आदिवासी इलाकों में नक्सल, और नक्सल को कहा जाता है कि वो डाकू हैं, गुंडे हैं। हम फूलन देवी पर बात कर रहे हैं साहब, अभी आते हैं और बताते हैं कि इस देश में डाकू और गुंडे का मतलब क्या होता है। जो अपने हक के लिए लड़े, जो अन्याय के खिलाफ लड़े, वो डाकू और गुंडा है। और जो 12-12 मुकदमा लेकर के जब मुख्यमंत्री बन जाए और अपना मुकदमा वापस करा ले, वो गुंडा नहीं है। 22 मुकदमा था, मैं कह रहा था ना, मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग सामने बैठे हुए। अयोध्या को बनाएंगे विश्व नगरी, बनाओ, तुम्हारी सरकार है, तुम्हें कौन रोक रहा है। विश्व स्तर का मंदिर बनेगा, विश्व स्तर का नगर बनेगा काशी मथुरा अयोध्या। अरे मैं कह रहा हूं, तुम्हें अगर इतना ही विश्व स्तर का बनाना था तो उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तर का विश्वविद्यालय बना देते, तो हम भी मानते कि तुमने कोई एक अच्छा काम किया। वो लोग डाकू और गुंडा की परिभाषा बताते हैं, जिनका मुख्यमंत्री बनने के पहले तक केवल चर्चा में इसलिए थे, जो जाकर जहरीला बयान, मैं तो आजमगढ़ का हूं, मेरे बगल में ही गोरखपुर है, वहां का मठ गोरख मठ, और वो नाथपंथी लोगों का था, गोरखनाथ का वो पंथ है जो निर्गुण परंपरा से आते थे। और निर्गुण परंपरा मतलब जानते हैं, कबीर साहब का भजन गा रहे थे हमारे साहब बैठे हुए हैं, निर्गुण परंपरा का मतलब होता है मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। सुनिए, इसका किसी मुख्यमंत्री से कोई रिश्ता नहीं। आसन मार मंदिर में बैठे ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए, हालांकि इधर जाट जटा नहीं है, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गई लें बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ो रंगई लें, और गीता बाँच जोगी होई गई लें लबरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी। मैं किसी मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं कबीर की बात कर रहा। तो कबीर की विरासत जिस नाथ परंपरा में थी, वो गोरखनाथ जिन्होंने ब्राह्मणवाद मनुवाद और तमाम तरह की सत्ता को चुनौती देते हुए वंचितों शोषितों का निर्गुण पंथ खड़ा किया था, उनका मठ था, पहले उस पर कब्जा और फिर मठाधीश होकर के ये बयान देना कि कब्र से उठा करके बलात्कार करेंगे, यही तो यूएसपी थी। वो गुंडे नहीं है, हमने नाम किसी का नहीं लिया, हम तो पूछ रहे हैं साहब, अगर फूलन देवी गुंडा है, नक्सली अगर गुंडे हैं, तो ये राम मंदिर की रथ यात्रा निकालने के नाम पर जो हजारों लोगों को दंगे में मारा, वो कौन लोग थे? ये सवाल इस मन से मेरा उन लोगों को। और तब मैं उस महिला को याद कर रहा हूं फूलन देवी पर बात करते हुए, उस आदिवासी महिला ने कहा कि नक्सली हमसे कहने लगे कि तुम्हारे स्कूल में सेना और पुलिस के लोग आकर रुकते हैं, हम तुम्हारे स्कूल को गिरा देंगे। उसने नक्सलियों से कहा कि हमारे इलाके में तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा अगर शिक्षा नहीं होगी, इसलिए मैं स्कूल के लिए लड़ रही हूं, आप मेरा स्कूल मत गिराइए। नक्सलियों ने बाकी स्कूल गिरा दिए, उनका स्कूल छोड़ दिया, तो पुलिस वालों ने कहा कि ये नक्सलियों से मिली हुई है, ये भी नक्सली है, इसलिए इसका स्कूल नहीं गिराया गया, और दोनों उनके दुश्मन बन गए। पहुंचिएगा मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर झूठे मुकदमे किए, आजाद भारत की बात बता रहा हूं, 2005-06-07 की, सलवार जुडूम चलाया था आदिवासियों और नक्सलियों को खत्म करने के लिए, और नक्सली क्या मांग कर रहे थे कि ये जल जंगल जमीन हमारी है, तुम विकास के नाम पर हमारी जल जंगल जमीन हमसे मत छीनो,
जैसे हमारे साथी जो अयोध्या के हैं, जो बोल रहे थे कि हमारी जमीन छीन रहे हैं क्योंकि वहां राम मंदिर बनने वाला है, हमने, और बहुत अच्छा उन्होंने कहा, जहां जहां राम मंदिर का विवाद है वहीं वहीं तथागत बुद्ध और अंबेडकर की मूर्ति रख दो, आधा विवाद तो उसी समय खत्म हो जाएगा। भाई हमें अवैध कब्जा नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो जब इस कार्यक्रम में आने वाला था, मुझे एक पर्ची भी भेजी है कि अयोध्या बार एसोसिएशन के दर्जनों वकील साहब लोग आए हैं, एक तो पर्ची दिया उन्होंने, उसमें सारे यादव जी लोग हैं, लेकिन अच्छा है, स्वागत है। नीरज भाई कह रहे थे जहां यादव ज्यादा होंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैं सोचने लगा कि अगर यादव ज्यादा जहां है वहां मैं नहीं गया, और आरएसएस का एक प्रचारक है कि कहा उठो यादवों, तुम कृष्ण के वंशज हो, आओ हिंदू धर्म बचाने, तब क्या होगा? पता चला हम नहीं गए, उधर से कोई और लेके चला गया। इसलिए मैं हर मंच पर जाऊंगा और यादव जी लोगों से भी कहूंगा कि उठो यादवों, आपको थोड़ा दिल बड़ा करना है, नाक छोटी करनी है। अगर आप में ताकत है तो अपने से कमजोर पर वो ताकत नहीं, अपने से मजबूत पर वो ताकत आजमाओ और आपको इस बहुजन एकता को बनाओ। तो ये जो वकील साहब लोग आए हुए हैं सबका बहुत स्वागत। इतने वकील अगर अयोध्या में हैं तो भाई अयोध्या में फिर डरने की बात है क्या? आपके अपने लोग हैं, सीना तान के रहिए, गलत को बर्दाश्त मत करिए, इन सारे लोगों की जिम्मेदारी है। न्यायपालिका में आजकल फैसला तो ऐसा हो रहा है कि आज राम मंदिर के पक्ष में फैसला दो, कल राज्यसभा का सदस्यता ले लो, ये भी तो हो रहा है। भाई मैं वही सब बोल रहा हूँ जो संसदीय भाषा में बोला जाता है, हालांकि डिक्शनरी नहीं बन गई है जिसमें तानाशाह को तानाशाह भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम तो बात कर रहे फूलन देवी पर तो करेंगे। तब मुझे वो सोनी सूरी की याद आती है जिसने कहा कि वो झूठे मुकदमे बनाकर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, पुलिस थाने में बलात्कार किया और उसकी योनि में पत्थर भर दिया, उस महिला के साथ यह अन्याय 2005, 6 और 7 में हो रहा था। मैंने पूछा उनसे कि आपको पता है फूलन देवी कौन थी? उस महिला ने कहा कि हमें ऐसे ही लोगों से ताकत मिलती थी, और मैं जब उनके बारे में जानी कि एक लड़की जिसका 11 साल की उम्र से बलात्कार होना शुरू होता है, शादी के नाम पर बलात्कार, गांव वालों का बलात्कार, पुलिस पकड़ कर ले जाती है पुलिस थाने में बलात्कार, जब वापस मदद मांगने जाती है तो डाकुओं का एक गिरोह कब्जा करता है, वो बलात्कार करता है, इतना शोषण और अन्याय जिस पर हुआ वो आपकी नजर में अपराधी है और गुंडा है? फूलन देवी अपने इंटरव्यू में कहती हैं, मेरे ऊपर इतना जुल्म हुआ था और हर बार मैं यही सोचती थी कि न्याय मांगने किसके सामने जाऊं, पुलिस नहीं सुनती, गांव के लोग नहीं सुनते, कौन हमारे साथ खड़ा होगा? तो फूलन ने कहा कि कई बार मुझे यह लगा कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं, और तब फूलन ने कहा कि लेकिन मुझे यह समझ में आया कि अब तक जाने कितनी महिलाएं यह सब सोचते सहते आत्महत्या करके मरती चली गई, मैं नहीं मरूंगी, गलत मेरे साथ हुआ है तो मैं सजा खुद को क्यों दूं, अब मैं उनको सजा दूंगी जिन्होंने मेरे ऊपर गलत किया है। और तब फूलन देवी ने कहा कि मैं उसका बदला लूंगी ताकि आने वाले वक्त में कोई फूलन देवी न बने। इसलिए हम फूलन देवी को याद कर रहे हैं, और इसलिए फूलन देवी ने वो, हमारे यहां तो सिनेमा भी बनता है तो उसमें डायलॉग जब बोला कि भाई तुम कौन हो, तो वो काम चंबल से आए, ये लोधी जी आए हुए हैं वहां से मध्य प्रदेश से, आधा चंबल इधर है आधा उधर, और वहां पर उन्होंने जब पूछा कि भाई चंबल से आए वहां तो डाकू रहते हैं, उसने कहा ना साहब, डाकू तो संसद में रहते हैं, चंबल में तो बागी रहते हैं, फूलन देवी एक बागी का नाम है और आज भी डाकू संसद में बैठे हुए हैं, करो हमारे ऊपर यूएपीए लगाओ, हमें भी जेल में डालो। हम तो उस सिनेमा की बात कह रहे हैं,
हम तो उस सिनेमा का डायलॉग बोल रहे। और यही बात फूलन देवी ने कही कि मैं बागी होकर के जब हथियार लेकर गई, और आज भी इस देश की विडंबना और विरोधाभास देखिए, निर्भया कांड हुआ दिल्ली में 2012 में, बलात्कार हुआ, निर्मम बलात्कार हुआ, सड़क पर लोग उतर गए और क्या नारा लगा रहे थे, बलात्कारियों को फांसी दो, नारा लगाया था ना। जब जब बड़ा मुद्दा बना, हमारे यहां तो हाथरस में एक बेटी को बलात्कार भी हुआ, उसको इलाज भी ढंग से नहीं मिला, वो मर गई, पेट्रोल डाल के आधी रात को बिना उनके घर वालों की सहमति के जला दिया, उस देश में कहां न्याय आज भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी जब वो नारा लगाते हैं कि बलात्कारियों को फांसी दो, तो वो कौन सी हिंसा नहीं है? फूलन देवी ने अपना बदला लिया तो वो हिंसा है। अब मैं किस्सा बताता हूं वो क्या है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आप लोग गांव के लोग हैं साहब, मैं अक्सर समझता हूं कि हमसे ज्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जमीन पर लड़ रहे हैं ना, हम तो बाहर से आते हैं, आप हमें इतना इज्जत देते हैं। और मैं ये कहता हूं ये इज्जत हमारी नहीं, हमारे में क्या काबिलियत है। आज भी कह रहा हूं मैं एक अच्छा इंसान होता, मेरे घर वाले ना होते तो वो ना होता, मेरे घर वाले ना होते तो पढ़ नहीं पाता, मेरे घर वाले ना होते तो कुछ नहीं कर पाता, मगर मेरे घर वालों के लाख मेहनत के बाद भी अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन ना होता तो मैं यहां नहीं होता और आपके सामने इतना सम्मान नहीं पा रहा। तो हम तो ताकत उनसे लेते हैं साहब, हम तो बोल के चले जाएंगे लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं। आपको सल्यूट करते हुए एक बात कह रहा हूं, जमीन पर किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में एकेडमिया में बैठे बड़े बड़े प्रोफेसरों ने, मीडिया में बैठे बड़े बड़े पत्रकारों ने, संसद में बैठे बड़े बड़े कद के लोगों ने हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं किया, हमारे लोगों को अपमानित किया, फूलन देवी को अपमानित किया। और कैसे अपमानित किया साहब, दो वाक्या बता रहा हूं। पहला अपमान, कहते हैं कि निर्दोष को मार दिया। फूलन देवी अपनी आत्मकथा में भी लिखती हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है, इंटरव्यू है, मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें उस किताब का डिटेल है, आप देखिएगा। और अपने भाषण में फूलन देवी ये बात बोलती हैं, मैं उस गांव बहमई गांव जाकर के उन गांव वालों से बार बार पूछती थी कि मैं जब जब अपने बलात्कारियों को खोजने आती हूं तब तुम मुखबिरी करके उन्हें गांव से भगा देते हो। 22 दिन तक मेरा इस गांव में बलात्कार हुआ। आज हम बोलेंगे तो हमें कहा जाता है कि भड़काने के लिए बोल रहे हैं। इस देश में गरीब कमजोर की भावना कोई भावना नहीं है क्या? भावना केवल ये धर्म वालों की है, जिन पर कोई बात बोल दो तो धार्मिक भावना आहत हो जाती है, मुकदमा ठोक देते हैं। हमारे प्रोफेसर रतनलाल को जेल में डाल दिया धार्मिक भावना आहत करने के जुर्म में। नीरज पटेल पर इतना धार्मिक भावना का मुकदमा होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है, पता है क्यों नहीं हुआ? और रतनलाल 12 घंटे में क्यों बाहर आ गए? क्योंकि नीरज पटेल किसी पार्टी के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, नीरज पटेल 85% लोगों की बात कर रहे हैं, रतनलाल 85% लोगों की बात कर रहे हैं। और जब 85% लोग खड़े हुए ना, रतनलाल को नहीं देखा कि वो दलित हैं, दिल्ली में जो खड़ा था सुमित चौहान जी आए हुए हैं, हम लोग आधी रात को पहुंच गए वहां पुलिस थाने के सामने, और पुलिस वाले ने अंदर से मुझे फोन किया, अरे साहब सुबह होने का इंतजार तो कर लेते, आप लोग रात में ही थाना घेर लिए, आपकी ताकत ये है साहब, मैं आपको डराने नहीं, आपकी ताकत का एहसास कराने आया हूं। और 12 घंटे में उनको बेल हो गई। नहीं है हिम्मत की नीरज पटेल को कोई छू दे, और छुएगा तो उसका भी जवाब मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बहमई जाकर जब फूलन देवी बार बार पूछती थी कि इस गांव में 12-22 दिन तक मेरा बलात्कार किया, तब इस गांव के कोई लोग बचाने क्यों नहीं आए? मैं चीखती रही पुकारती रही, कोई बचाने नहीं आया। और तो और पूरा कपड़ा उतार कर पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, तब तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी नैतिकता पर क्यों चोट नहीं आई? तब गांव वाले क्यों बचाने नहीं आए? और उस दिन 14 फरवरी को जब फूलन देवी वहां अचानक पहुंची तो पूरे गांव वालों को, वहां बारात चल रही थी साहब, उस बारात में वो सारे बलात्कारी आए हुए थे,
और जैसे ही वहां फूलन के पहुंचने का संदेश मिला, उन्होंने उनको भगा दिया पीछे से। उस समय भी फूलन ने उन सबों से कहा था, मैं जिनको खोजने आए हूं, नाम लेके उन्होंने बोला, मैं नाम भूल रहा हूं, लाला राम, दीना राम, ऐसे लोगों का नाम भी क्या अपनी जबान से लेना। फूलन देवी ने कहा कि उन्हें आप बाहर सामने खड़ा कर दो, हम उन्हीं को मार देंगे, हमें बदला लेना है। गांव वाले बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, तो जो आज भी कहते हैं कि फांसी दो, जब बलात्कार का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने शस्त्र उठाया तो फूलन देवी को गुंडा कहा गया। इस विमर्श को बदलने की जरूरत, लेख लिखे गए फूलन देवी के खिलाफ। और दूसरा वाक्य तब आता है, 11 साल फूलन देवी जेल में रही, 11 साल फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया, देखो औकात तो उनकी इतनी ही थी कि फूलन देवी ने बदला भी ले लिया और डंके की चोट पर खड़ी भी रही। पुलिस वालों के पास फूलन देवी की एक फोटो और एक तस्वीर तक नहीं थी, ये हिम्मत थी उनकी, कुछ नहीं कर पाए। और तब भी फूलन ने कहा, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगी, मध्य प्रदेश में फूलन देवी अगर किसी जाति के खिलाफ होती तो अर्जुन सिंह के सामने वो आत्मसमर्पण क्यों करती? अर्जुन सिंह के सामने अपना हथियार डालकर पैरों में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। आज हमें कुछ लोग सीख दिखाने देने आते हैं कि हम जातिवादी हैं। अरे नहीं मूर्खो, हम तो बीपी सिंह और अर्जुन सिंह को भी अपना नायक मानते हैं। विचार से जो हमारा है वो हमारा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन से बहुजन थे? राहुल सांकृत्यायन कौन से बहुजन है? भगत सिंह कौन से बहुजन थे? वो हमारे हैं क्योंकि विचार से वो हमारे हैं। रामनाथ कोविंद बन जाओगे तो भले ही तुम राष्ट्रपति बन जाओ, तुम हमारे नहीं हो सकते जब हाथरस पे तुम एक शब्द नहीं बोले। रामनाथ कोविंद जी, महामहिम जी के रहते हुए 3 उपलब्धि, सुमित जी ने बड़ी अच्छी हेडिंग लगाई। मैंने कहा उनके राष्ट्रपति रहते 3 उपलब्धि है, SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी उनके काल में हुई, 2 अप्रैल का भारत बंद आपको करना पड़ा था कि नहीं, 13-point रोस्टर उनके काल में आया, 5 मार्च का भारत बंद आपको करना पड़ा था कि नहीं, और तीसरी और महान उपलब्धि राम मंदिर बनेगा इसका फैसला आ गया, ये हमारे लोग हैं क्या? हाथरस में हुआ आप एक शब्द नहीं बोले। अरे भाई बाहर से किसी ने बुलाया था, और KN नारायणन भी इस देश के दलित राष्ट्रपति थे, फिर भी उन्होंने कहा कि हम ऐसे दंगों के खिलाफ खड़े हैं। और KR नारायणन ने वो फाइल 3-4 बार लौटाई जिसमें SC ST OBC के हक के साथ छेड़खानी की है। हम जातिवादी नहीं है, जातिवादी तो तुम हो। और जब वो सारा कांड हुआ, फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया, फूलन देवी ने केवल एक शर्त रखी थी, हमारे किसी भी सदस्य को मौत की सजा न हो और हमें उत्तर प्रदेश में ना रखा जाए। 11 साल 4 शीट तक फाइल नहीं की, कोई मुकदमे की सुनवाई तक नहीं हुई। जब जुर्म है तो साबित तो करो, मुकदमा तो लड़ो, उनको सजा तो सुनवाओ, कुछ भी नहीं हुआ। और तब वाकई एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जिसको इस मंच से जरूर याद किया जाना चाहिए, कम से कम उतने काम का जितने काम का तो वो हकदार है। उस समय एक व्यक्ति, वो अलग व्यक्ति है, उसको मैं खोजता हूं, उसे याद करता हूं। वो चौधरी चरण सिंह की विरासत से राजनीति शुरू करता था, उसने पहलवानी की थी और राजनीति का पहलवान बना था। उसने राम मंदिर के आंदोलन के नाम पर बाबरी मस्जिद ढहाने जाने वाले आतताइयों के ऊपर गोली चलवा करके माइनॉरिटी के मन में संविधान के प्रति आस्था और विश्वास को दृढ़ करने की हिम्मत का फैसला लिया था। उस मुलायम सिंह यादव को मैं यहां से याद करूं, और उस मुलायम सिंह यादव ने यह हिम्मत दिखाई कि सारे मुकदमे वापस कराए फूलन देवी के, और 1996 में मिर्जापुर से जाकर कहा कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ो और संसद में जाओ फूलन देवी, तुम्हें एक नया अवतार मिलेगा। बड़े बड़े लेख लिखे गए साहब दिल्ली में, दिल्ली में लेख लिखे गए कि यूपी का गुंडा
यूपी का गुंडा अब जेल से गुंडों और डकैतों को निकाल करके संसद में डकैतों को बैठाने जा रहा है। ऐसे लेख लिखे गए। ये लोग भूल गए अपना इतिहास। समाजवाद का पाठ जिन्होंने लोहिया और जेपी से पढ़ने का दावा किया, वो लोग समाजवाद के संघर्षों की जमीन भूल गए। तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के समाजवाद की याद दिलाया जाए जो उनके अपनी विरासत में है। और तब मुलायम सिंह यादव खुद प्रचार करने गए और कहे कि डकैत कौन है इसकी परिभाषा हमें मत दो, फूलन देवी हमारे नायक है, हमारी वीरांगना है, और फूलन देवी जीतती हैं और उसके बाद संसद में पहुंचती हैं। आज के लोगों को हिम्मत है क्या? ढंग से पूछिए जाके समाजवादी पार्टी के कार्यालय में फूलन देवी को कितने लोग याद कर रहे हैं। ये ताकत और विरासत का सवाल है साहब। और जब फूलन देवी लड़ के वहां पहुंचती हैं और उस समय तब दुनिया को पता चला, देश को पता चला कि वो फूलन देवी जब जेल में थी तो जेल में जितनी महिलाएं बंद थी उन महिलाओं के हक के लिए आंदोलन करती थी। फूलन देवी जब सांसद बनी तो उन्होंने एक पूरी कमेटी बनाई फूलन देवी ने कि जितनी भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं वो मेरे पास आए, मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगी। फिर भी इस देश ने फूलन देवी को कभी महिलाओं का मसीहा नहीं बनाया। जेंडर डिस्कोर्स पर इस देश में बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, महिला मुक्ति के लिए बड़े बड़े नाम लिए गए, और मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली वालों के बिना दिल होने का एक दावा कर रहा हूं। दिल्ली वाले भीतर से बहुत खोखले होते हैं साहब। मैं तो चाहता हूं मेरे अंदर मेरा छोटा सा उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा आजमगढ़, मेरी अपनी भोजपुरी की मिट्टी कायम रहे ताकि दिल्ली वालों की बिना दिल जैसा न हो जाऊं, वरना मैं भी कहीं बिककर उनका गुलाम न हो जाऊं। उन दिल्ली वालों ने कभी न्याय नहीं किया कि फूलन देवी एक महिला आइकॉन की तरह इस देश में क्यों नहीं याद की जानी चाहिए। महिलाओं की मुक्ति की लड़ाई में फूलन देवी कहीं नहीं नजर आई। और फूलन देवी के ये बड़े काम थे जिसको इस देश में कभी बताया ही नहीं। महिलाओं की मुक्ति की लड़ाई, घरेलू हिंसा के खिलाफ जो लोग लड़ रहे महिलाओं के लिए उन्होंने, और तीसरा बड़ा काम एकलव्य सेना बनाई थी फूलन देवी ने। फूलन देवी ने एक भाषण में कहा, एकलव्य तो हमारे पुरखे थे जो बिना गुरु के भी अपनी कला में माहिर थे, बिना दीक्षा दिए भी एक ऐसा गुरु जिसने अंगूठा काट लिया था, हम उस एकलव्य के वारिस हैं, इसलिए फूलन देवी ने एकलव्य सेना बनाई। पता है आपको, शुरुआती दौर में फूलन देवी दुर्गा की पूजा करती थी। अब फूलन देवी से वर्तमान पर लौटकर बात खत्म करूंगा। दुर्गा पर पूजा करती थी। जब वो चंबल में रहती थी तो वो दुर्गा को मानती थी। नागार्जुन एक कविता भी लिखी, उस कविता में उन्होंने उसकी तुलना, फूलन देवी की तुलना दुर्गा से की, और उस दुर्गा से करते हुए फूलन देवी ने जब वो सारा काम, फूलन देवी का एकलव्य सेना, एकलव्य सेना के साथ तमाम तरह की महिलाओं की मुक्ति के काम, और जब फूलन देवी लोगों के बीच जाने लगे और लोगों को एक आत्मविश्वास देने लगे कि महिलाओं तुम शर्माओ मत, झुको मत, तब मुझे सोनी सूरी याद आती है। गूगल करके घर जाके पढ़िएगा साथियों, 2008, 9, 10 की लड़ाई के बाद सोनी सूरी को 2011, 12, 13 में जेल में बलात्कार का शिकार होना पड़ा। और सोनी सूरी जब वापस लौट करके अपने आदिवासी इलाके में जाती है, तो आज मैंने जब सोनी सूरी से पूछा ना कि सोनी दीदी वहाँ जाकर क्या बदलाव नज़र आता है, तो पता है सोनी सूरी ने क्या कहा कि पहले पूरे बस्तर के इलाके में एक सोनी सूरी थी, अब बस्तर के हर एक गांव में एक सोनी सूरी खड़ा है। इसलिए इस मंच की सफलता, इस आयोजन की सफलता इस बात में नहीं है कि आप हम लोगों का भाषण सुनकर चले जाएं। हम लोग तो भाषण देने के लिए ही जाने जा रहे हैं आजकल। अब एक को चुनाव लड़े नहीं है, पैसा रुपया है नहीं। और मैं तो कई बार आश्चर्यचकित था कि जो मैंने YouTube पर, Facebook पर एक साल में पिछले बोला, उसमें कोई नई बात नहीं बोली। ये तो भारत भर में सब लोग जानते हैं। फिर मेरे पास देश भर से इतने फोन क्यों आने लगे? फिर मुझे पूरे देश में बुलाया क्यों जाने लगा? जहाँ जाता हूँ इतना सम्मान क्यों मिलने लगा? तब मुझे पता चला एक जनरेशन गैप हो गया था साहब। पुरखे लड़े थे,
तो हम यहाँ पहुँचे, हमारे लोग लड़ना भूल गए, इसलिए हमें इज्जत मिल रही है कि आओ, आप जैसे लोगों की जरूरत है, लड़ाई लड़ो ताकि आने वाले वक्त तक के लिए कुछ विरासत बचे। वरना हमारे पास क्या है सम्मान पाने के लिए? ये सम्मान तो आपका बड़प्पन है, और ये सम्मान इसलिए कि फूलन देवी पर पिछले साल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पास धमकी आई कि तुम फूलन देवी पर वीडियो बना रहे हो। और जैसे धमकी वमकी आती है तो कई बार हौसला बढ़ जाता है कि लगता है गाड़ी एकदम सही पटरी पर है और इसे और तेज दौड़ाना। हम लोग डरने वाले हैं क्या? मंच पे आज जैसे ही आके बैठा वैसे ही मैसेज खोला तो नीरज को मैंने दिखाया, देखो नीरज भाई पहले ही ऊपर दिख रहा है गाली आई हुई, फूलन देवी की वीडियो पे गाली आई। अरे हम उस विरासत के लोग हैं, तथागत बुद्ध को मारने की कोशिश की, कबीर को मारने की कोशिश की, ज्योतिबा फुले को मारने की कोशिश की, पेरियार को मारने की कोशिश की, अंबेडकर के खिलाफ खड़े रहे, भगत सिंह के खिलाफ खड़े रहे, मंडल के खिलाफ खड़े रहे, हमारे पुरखे इनके बाप दादाओं से नहीं डरे, तो हम लोग कैसे डरने वाले हैं क्या? आंख में आंख डाल करके सच बोलेंगे। इसलिए फूलन देवी पर बोलने आपके बीच में आया। कल तक 102 डिग्री बुखार था, दवा खा के आया क्योंकि अपने को रोक नहीं पाया, क्योंकि यहां बोलते हुए आपको क्या महसूस हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपनी जड़ों को महसूस कर रहा हूं और अपने को ताकत महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके बीच में आया। और उस फूलन देवी ने जब ये ठान लिया कि मुझे क्रांति करनी है तो पूरे उत्तर भारत में खासकर रामविलास पासवान को राखी बांधते, पटना में लालू प्रसाद यादव ने जाकर के एक बड़ा सम्मेलन बुलाया और उसकी अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने चुना तो फूलन देवी को चुना। ये एका थी, कहां गए वो मुलायम सिंह यादव, कहां गए वो लालू प्रसाद यादव, कहां गए वो रामविलास पासवान, और कहां गए उनके वारिस जो जिनकी विरासत ऐसे लोगों की थी, आज वो कहां अपने को कमजोर बनाए बैठे हुए, ये मेरा सवाल है उनसे। आज आप अपनी विरासत को क्लेम नहीं कर पा रहे और आप कहते हो परशुराम का फरसा पकड़ के वोट मिल जाएगा। CSDS का सर्वे कह रहा है कि 90% ब्राह्मणों और ठाकुरों ने वोट दिया है फूल पर, और आपको बना दिया फूल, और आप चले थे परशुराम का फरसा पकड़ करके समाजवाद लाने। आजकल दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक बहुजन से सर्वजन करा रहा है, एक परशुराम की कटार पकड़ रहा है, ऐसे का सामाजिक न्याय होगा उत्तर प्रदेश में? मैं तो आजमगढ़ से आया हूँ, जाके देखिए अभी आजमगढ़ के उपचुनाव में एक ऐसे व्यक्ति को सांसद बना दिया जिसका केवल एक काम था वो आपके नेता को गाली देता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप दोनों लड़ रहे, और दोनों इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि समाज उनको लड़ने दे रहा है। हम आप भी तो लगता है हमारी बिरादरी के नेता है, वो तो यदुकुल गौरव है साहब, उनके खिलाफ कौन जाएगा? अरे कॉलर नहीं पकड़ो, बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम ऐसे नालायक लोग हो गए कि हमारे नेता हमारे वोटों का सौदा करते हैं। नई नई पार्टियां बनी है, निषाद पार्टी का तो जिक्र नीरज पटेल ने कर दिया, एक निषाद पार्टी उधर भी बनी हुई है, गोरखपुर से चले थे, पता नहीं वाया मठ चले थे कि कहां से चले थे, लखनऊ पहुंच के पूरा एक भाई बड़का भाई छोटके भाई करा है, भैया आओ इधर सम्मान मिली, भैया भी इधर से चल दिए उधर सम्मान मिली। सम्मान का सौदा करने का मतलब आप किसी पार्टी से नाराज हो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप अपने वैचारिक दुश्मनों के साथ खड़े हो, आप भले ही हमारी जाति के हो हम कभी आपके साथ नहीं खड़े हो। ये ईमानदारी का तकाजा फूलन देवी को याद करने का। और तब फूलन देवी ने गांधी मैदान के जो भाषण दिया था उस भाषण को याद कर रहा हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक लेख लिखा है, उस लेख में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं इस देश की महिलाओं को सीता और सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। फूलन देवी पर कार्यक्रम करने का मकसद यह है साथियों, अपने घर की महिलाओं को ताकतवर बनाइए। आप अपने घर की बेटे बेटियों को इसी कार्यक्रम में देखिए, मुश्किल से 5% भी महिलाएं नहीं है। अच्छा है कि महिलाओं ने आगे सीट कब्जा कर रखा है। हमारी एक साथी यहां अध्यक्षता कर रही है, एक साथी बैठी हुई है। मैं हर उस मंच को खराब मंच मानता हूं जिस पर केवल पुरुष बैठे हो। नीरज भाई ने क्योंकि जाति वाली बात तो आपको बता ही दी, कोई जाति की महासभा करके अगर इतना ही यादव महासभा ताकतवर थी तो दो चार तो प्रधानमंत्री अपना बनवा ली होती।
भाई मैं तो एक खुली खरी बात कह रहा हूँ, यादव जी लोग इतने ही ताकतवर हैं तो दो चार तो विजय माल्या और ललित मोदी बना लिए होते जो पैसा लूट करके विदेश भाग जाता, नहीं है ना साहब? हम कहाँ ताकतवर हैं? पिछली सरकार पे तो इनके ऊपर आरोप लग गया कि हर थाने में डीएम एसपी यादव भर दिया। अरे तुम किस बात की राजनीति कर रहे हो? तुम 5 साल से विपक्ष में हो, हर थाने की लिस्ट तुमको भी जारी कर देनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में सारे ठाकुर डीएमएसपी भर दिए, तुम भी तो लिस्ट जारी करते। किसने रोका है तुम्हें? तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ आप जाओ थाने में, आपकी सुनवाई है क्या? आपकी जाति के आगे जो नाम लगा है ना उससे तय हो रहा है कि आपको क्या सुनवाई मिलेगी। ये है राम राज्य। इसलिए मैं फूलन देवी को याद करते हुए जाते जाते बस यही कह रहा हूँ, समझाने की बात है। हमारे यहाँ कहावत चलती है, अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोर। भोजपुरी समझते हैं ना? अगर ओबीसी, अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर, ये चार लोग हुए ना, और धर सारे का टंगरी तोर, ये किसने बनाया था? ये हमने बनाया, लोधी भी जुड़ा, सब जुड़े ही हैं, बस नाम अपना अपना रिप्लेस कर लीजिए। किसने बनाया? बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? किसने बनाया ये काव? हमारे लोगों ने बनाया था क्या? हमने, हम लोग तो जाति के शिकार हुए हैं। लेकिन साहब अब वक्त इस बात का नहीं है कि अब केवल, और नीरज भाई ने बिल्कुल सही कहा, आलोचना करने को तो मैं तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री का नाम लेकर के हर जगह वो बोल रहा हूँ, उनको हिम्मत है तो कुछ करें, हम डरते नहीं। लेकिन इस मंच का उपयोग हम किसी और को आलोचना करने के लिए क्यों दें? वो तो अपना काम कर रहे हैं साहब। उसको 370 हटाना था हटवा दिया, उसको राम मंदिर बनवाना था बनवा दिए, उनको मुसलमानों को इस देश में दुश्मन बनाकर पेश करना है ताकि हर हिंदू को एकजुट करे, वो कर रहे। उनको आपको अहिर कुर्मी कोयरी लोधी पासी निषाद मल्ला केवट इन सारी जातियों को सबक सिखाना है, उनका आरक्षण खत्म कर दिया, उनकी शिक्षा बेच दी, उनका रोजगार खत्म कर दिया, वो अपना एजेंडे पे काम कर रहे हैं। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, कल को वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप दिल्ली की सड़कों पर संविधान की प्रतियां फाड़ कर जला दो, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। आप दिल्ली में भगवा नाम का संविधान लेकर के लहराओ कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान झूठा है, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। आप धर्म संसद करो और कहो कि इस देश के मुसलमानों को मारो काटो, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। आपका, आपकी प्रवक्ता क्या क्या बोल देती है मुसलमानों पर, दुनिया भर में थूतू हुई, वो जेल नहीं जाएगी। जेल जाएगा तो कोई जुबैर, जेल जाएगा तो कोई उमर खालिद, जेल जाएगा तो प्रोफेसर हैनी बाबू जो ओबीसी है, जेल जाएगा तो प्रोफेसर अनंत तेलतुंबड़े जो दलित है, जेल जाएंगे तो आदिवासी, जेल जाएंगे तो आपके अपने जिले में खोज लीजिए, सबसे ज्यादा आपकी जेलों में, आपके जिले की जेल में जो SC ST ओबीसी है वो बंद होंगे। सबसे ज्यादा मुकदमे किसके ऊपर हो रहे हैं जाके देखिए अपने गाँव में। इसलिए साहब वक्त इस बात का नहीं है कि उनकी आलोचना करते चले, वक्त इस बात का है कि अब हमें इसलिए सड़क पर आने की जरूरत है क्योंकि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल बचाना है। आपने इस कार्यक्रम में लिखा है ना, आधी आबादी के बिना कोई सम्मान नहीं, महिलाओं के बिना कोई सम्मान नहीं, और कार्यक्रम में आए हैं महिलाओं को नहीं लेके आए, नीरज भाई की बात से सहमति जता रहा हूँ। अब हमारे यहाँ क्या है, हम तो भाई देखिए ऐसे घर में पैदा हुए, आधा तो संयोग भी होता है। मेरा घर ऐसा जिसमें कबीर पंथी निर्गुण परंपरा के गुरु थे, उनसे हमारे घर वाले दीक्षा लिए थे, तो बचपन से हमारे अपने घर में किसी देवी देवता की तस्वीर ही नहीं देखी, कोई तस्वीर नहीं थी। मेरी माँ ने कभी कोई तीज व्रत त्योहार कुछ किया ही नहीं, और मेरे पिताजी ठहरे कॉमरेड कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी थे, भगत सिंह के मानने वाले, दोनों में कोई कर्मकांड ही नहीं। एक बार क्या हुआ, अब मैं ख़त्म करूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा, बस एक दो किस्सा सुना दूं। एक बार हमारे घर पे कुछ लोग, पिताजी के दोस्त था और उसमें एक मुसलमान था एक दलित था, मैं छोटा सा था, तो उनके जो पानी पीने के लिए ले गए चाय, तो उसमें 2 कप जो है शीशे के थे, बाकी सब स्टील के। पिताजी वापस लेके आए आंगन में, और उसके बाद पूछा कि ये 2 कप अलग क्यों हैं,
तो अंदर से आवाज आई कि उसमें एक मुसलमान है, एक दलित है, इसलिए पिताजी ने दोनों का पैसे पकड़ा, आंगन में तोड़ दिया, फर्श पे गिर के टूट गया और उन्होंने अपने स्टील वाले कप में उनको पिला दिया और कहा कि आज के बाद अगर यहाँ इस घर में कोई शीशे का बर्तन आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तो बचपन में ये देख के बड़े हुए थे, हमारे पिताजी हमको उंगली पकड़ करके दलित बस्तियों में ले जाते थे, जबकि सच्चाई ये है कि आपके गांव में चलकर देखिए ओबीसी घरों के लोग दलितों की बस्ती में नहीं जाते, कम जाते होंगे, पढ़े लिखे समझदार लोगों की बात नहीं कर रहा, आम प्रचलन नहीं है ना, एक गैप बना हुआ है, एक गैप है, कल्चर का गैप है साहब, हमें उस गैप को दूर करना है, इसलिए वो किस्सा। और देखो ताना मारने वालों से मत डरा करो, आप कुछ भी करोगे। एक आदमी अपने बेटे को लेकर के जंगल से जा रहा था गधा लेकर के, और गधे पे घास रखा था, तो एक गांव से गया तो गांव वाले बोले ये कैसे मूर्ख बाप बेटा है, गधा है इतना हष्टा कट्टा इस पर बैठ के जाते, ये मूर्ख है सब। तो बाप ने बेटे को बिठा दिया और फिर अगले गांव में गया, तो अगले गांव वाले कह रहे हैं कैसा नालायक बेटा है, बाप पैदल चल रहा है, बेटा घोड़े पे चल रहा है। तो उसने क्या किया, बेटे को उतार दिया, खुद बैठ गया गधे पे। अगले गांव में गया तो वो सब कह रहे हैं कैसा बाप है, बेटा पैदल चल रहा है और अपने घोड़े से चल रहा है। परेशान होकर के दोनों बैठ गए। अगले गांव में गए तो उन्होंने कहा दोनों कितने जुल्मी जालिम हैं, गधवा की जान ले लेंगे लगता है, दोनों बैठ गए उसी पे। ये दुनिया है साहब, कुछ भी करो, जिसको ताना मारना है मारेगा, जिसको बोलना है बोलेगा। इसलिए अब हमें किस काम को करने की जरूरत है, नाक छोटी करें और दिल बड़ा, इतना ही काम करने की जरूरत है। और शुरुआत में अपने समाज अपने तबके के लोगों से कह रहा हूं, मैं यादव समाज से आता हूं और मैं जानता हूं कि मेरे नाम में अगर यादव न होता तो बहुतों का मैं चहेता न हो पाता, ये सच्चाई है। तो मैं शुरुआत वहीं से कर रहा हूं। मेरे घर में आजकल आप जाएंगे तो हंगामा मचा हुआ है, मेरी बहन की शादी होने वाली है और मैंने एक शर्त रख दी है, अगर तुम्हारी बहन मतलब मम्मी से कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी में ब्राह्मण आया तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि देश भर में ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहा हूं और अपने घर में ब्राह्मण के सामने कैसे शादी कराऊंगा। अब सबको घर वालों को लगता था कि बड़ा ये अच्छा बोलता है, अब सब समझ रहे हैं बड़ा खराब बोलता है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा है। मैं उसको मम्मी को गजा करके एक दिन किस्सा सुनाया, मैंने कहा मम्मी पता है एक बार क्या हुआ, एक पंडित गया तो उसके पास एक यादव गया, मैं यादव से जोड़ के सुना रहा हूँ। तो यादव जी गए और पंडित जी से बोले कि पंडित जी घर में बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा पतरा देखे तुम्हारा, पतरा देख के कह रहे हैं तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो यादव जी बोले पंडित जी क्या करना होगा, तो कहे यादव जी आपको जो हवन कराना होगा। कहे कितना खर्चा आएगा, कहे 10,000 रुपया। यादव जी बोले इतना पैसा तो नहीं है साहब। तो उसके बाद बोले अच्छा तुम्हारे लिए 50% की सेल लगा देता हूँ, छूट है, ऑफर है, 5,000 दे दो, हवन करा देंगे, शनि ठीक जगह पे आ जाएगा, ग्रह दशा टल जाएगी। यादव जी बोले नहीं साहब, इस समय सूखा पड़ा है, बारिश हो नहीं रही है, रोपनी हो ही नहीं है, अकाल पड़ा है, कोरोना में नौकरी चली गई है, घर में कुछ है नहीं, 5,000 भी नहीं होगा। पंडित बोले अच्छा यादव जी 1,000 दे देना, एक महीने की हवन कर देता हूँ, पैसा हो जाए तो बड़ी वाले हवन करा लेना। यादव जी खड़े होकर बोले साहब मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। पंडित जी खड़े होकर गुस्से में बोले जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मम्मी जोर से हंस रही है, करे सही बोला उसने तो, हमने कहा पंडित ऐसे ही मूर्ख बनाते, तुमको समझ में आया, कह चुप रहो, लेकिन ब्याह कैसे होगा बिना पंडित के। फिर मैंने उसको दूसरा किस्सा सुनाया, मैंने कहा जानती हो एक गांव में पंडित था और उसने पूरे गांव को पागल बनाए रखा था। कैसे, छोटा सा बच्चा पेड़ के पीछे देखा कि सूरज है और उसको कहा लाल फल है, उड़ गया, छोटा सा बच्चा जो चल नहीं सकता था लेकिन उड़ सकता था। मैं किसी की धार्मिक भावना हाथ नहीं कर रहा हूं भाई, मैं एक भी शब्द खराब बोल रहा हूं क्या, अरे आपकी कथा में लिखा है वही मैं बोल रहा हूं। बच्चे को मन किया कि लाल वाले फल को खाऊंगा, उड़ गया, देखा दूर है, जाके खा गया, पूरे धरती पर अंधेरा छा गया, बाद में पता चला कि वो तो सूरज था। सब लोग में हाहाकार, सारे देवी देवता जाके कहे अरे साहब सूरज है ये तो, इसको निगल दीजिए, फिर वो निगल दिया, वापस आके पालने में लेट गया। इस देश में ऐसे ऐसे लोगों की भी पूजा होती है। आपके सामने 8 हाथ के लोग आ जाएं
अभी यहीं बाहर निकलो, आप आठ हाथ की एक महिला आ जाए, आप पूजा करोगे कि झोला झक्कड़ लेके भागोगे? सही सही बताना। जिस दिन मंदिर की मूर्तियां सच बोलने लगे, पुजारी और पूजा करने वाले दोनों ना भाग जाए तो कहिएगा, क्योंकि हम झूठ बोल करके उनके सामने माफी मांगने जाते हैं। सारा अपराध करने वाले भी हम, मंदिर के सामने हाथ जोड़कर अपराध की माफी मांगने वाले भी हम, और बिना मूर्ति के कहे खुद ही खुद को माफ कर लेने वाले भी हम। और हम कर्मकांडी लोग इस देश में हिंदू धर्म को बचाने का ठीका लिए हुए। तो मैं अपनी माँ को दूसरा किस्सा सुनाया कि देखो ये सब मूर्ख कैसे बनाते हैं। कहा कि वो पंडित पूरे गांव में, वो और मैं पंडित वंडित जब कह रहा हूँ तो देखो पंडितों के विरोध में नहीं हूँ भाई, मैं ब्राह्मणवाद के विरोध में। वाद है ये एक मानसिकता है, जो मानसिकता पूरे गांव वालों को समझाती है कि गांव वाले जाकर कहे कि अरे पंडित जी इस गांव के चार लड़कों ने एक गधा मार दिया। पंडित आग बबूला, गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है, शास्त्रों में लिखा है 22 प्रकार के नरक में 28 प्रकार से इनको तला जाएगा, डीप फ्राई किया जाएगा, बोटी बोटी काटा जाएगा, फिर सड़ाया जाएगा, फिर पिघलाया जाएगा, फिर जमाया जाएगा। नरक जानते हैं ना क्या क्या है, ये सब कुछ किया जाएगा। तो कहे अरे पंडित जी फिर मुक्ति कैसे होगी? कहे बड़ी वाली हवन कराना होगा। कहे कि कैसे? तो कहे 1,00,000 रुपया खर्चा आएगा, 15 दिन भोज होगा, 21 ब्राह्मणों को 21 बार खिलाओगे तब जाकर मुक्ति होगी। पीछे से चुपके से गांव वाला जाकर पंडित जी के कान में बोला है, पंडित जी उन लड़कों में एक आपका बेटा संतोष भी था। पंडित जी शांत होकर बैठ गए। पंडित जी ने कहा 2-4 लैकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो ना दोष। अब की मेरी माँ के साथ मेरी चाची भी खूब हंस रही थी। फिर मैं जाते आते कहा बिना पंडित के भी ब्याह हो सकता है, माँ तुम करने तो दो। अभी तक वो माँ कह रही है पता नहीं कैसे होगा, विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काम बाहर भाषण दे के कभी नहीं हो सकता, अपने भीतर और अपने घर से जब तक न शुरू किया जाए। इसलिए मैं जब आपके बीच में आया हूँ साथियों, केवल अपनी बात इन्हीं बातों के साथ खत्म कर रहा हूँ। वैज्ञानिक चेतना संपन्न अपने लोगों को करिए। मेरी तबीयत खराब हुई, 102 डिग्री बुखार हुआ, मैंने 20 बार गायत्री मंत्र पढ़ा, 25 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, किसी मस्जिद के सामने जाकर नहीं अपने घर में पढ़ा, तो क्या मैं ठीक हो गया? अरे भाई तुम एक बात बताओ, देखो मस्जिद से याद आ गया, थोड़ा और बोल लेने दीजिए बाकी आयोजक जाने। एक बात बताओ तुम, 1990 से जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो तुमने इस देश में कमंडल का आंदोलन शुरू किया, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे कहा था ना। अब सारा चीज हुआ मंदिर बनाने के लिए, रथ यात्रा निकली मंदिर बनाने के लिए, जितना रथ यात्रा जाती गई हर जगह दंगा होता गया था कि नहीं हुआ? गोधरा कांड के नाम पर दंगा हुआ कि नहीं? दंगा में मलाई कौन खाया जो आज देश बेच रहा है? मैंने किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया भाई, वो किसकी मलाई खा रहे हैं? दंगा होने की। और इसलिए साथियों मंदिर तुमने बनवाया, चलो जाओ मंदिर तुम्हारा है, हमसे तो उससे मतलब ही नहीं, लेकिन मंदिर क्या इस दिन रात के लिए बनाया था कि जब मंदिर बन जाए तो रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने जाकर त्रिशूल और तलवार लहराते हुए मुसलमानों को गाली दो, इसलिए तुमने मंदिर बनवाया था? क्या यही है तुम्हारा हिंदू धर्म? एक कांवड़िए जो जा रहे हैं कांवड़ लेकर इस समय, इसमें जरा खोज करके सर्वे करिएगा किन के घरों के लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर नेता मंत्री विधायक, इनके लोग क्यों नहीं कांवड़ लेने जा रहे? वो सत्ता में बैठकर कांवड़ियों पर फूल और माला फेंक रहे ताकि जाओ बेटा पहले कांवड़ में जाओ, फिर सरस्वती पूजा में जाओ, फिर शिव चर्चा में जाओ, फिर शिवरात्रि मनाओ, फिर अखंड रामायण का पाठ कराओ, फिर ज्योतिया मनाओ, सारा मनाओ, और हम चलेंगे डीएम एसपी डॉक्टर इंजीनियर वकील और व्यापारी बनेंगे, इतने बड़े व्यापारी बनेंगे कि इस देश का पैसा लेकर विदेश भाग जाए। हमारे आपके घरों के बच्चों पर ही सारा धर्म बचाने का ठीका है क्या? इसलिए कांवड़ वालों से पूछिए, वही जो लिस्ट है जाकर गूगल में देखिएगा, 8 कांवड़ियों के
दर्दनाक मौत हुई, उनमें से 7 तो बहुजन है। इसलिए मैं कहने आया हूं, अपने घर के बच्चों को 2 काम से बचा लीजिए। ये मेरी अपील, मेरी गुजारिश है साथियों। पहला, अपने घर के बच्चों और अपने घर के माहौल में जाकर भर दीजिए। इस देश में रहने वाला वंचित शोषित 90% आवाम, जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी, सारे लोग हैं, वो तुम्हारे अपने लोग हैं। वो 90% कमेरा लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं, और जो 10% लुटेरा लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन है। ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है, इसलिए मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन ये 10% लोग, वरना आपके लोगों को दंगा में मार डाला जाएगा। उधर से मस्जिद पे अटैक, इधर से मंदिर पे अटैक, और तो और छोड़ो आप, अयोध्या वालों याद है कि भूल गए, एक मस्जिद के सामने कुछ लोग गए थे कुछ फेंकने की दंगा हो जाए, बाद में पता चला कि वो सारे ब्राह्मण थे, उसमें एक प्रजापति था। मामला शिफ्ट हुआ है, दंगा कराने के लिए भी अब उनको गांव से बाहर, घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। हमारे लोग इसका मतलब दंगे में नहीं जा रहे ना, हमारे लोग दंगे में नहीं जा रहे, हमारे लोग समझ रहे हैं। अपने लोगों को चिढ़ाइएगा मत, ये दूसरी गुजारिश है मेरी। हमारे लोग अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी हों तो उन्हें चिढ़ाइए मत, उन्हें प्रेम से समझाइए, और अपने बच्चों की आंख में आंख डाल करके केवल एक वादा करिएगा साथियों, यही लास्ट अपील है मेरी। हम यहां पहुंचे क्योंकि भारत का संविधान लागू था, हम यहां पहुंचे क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें एक विरासत सौंपी थी, हम यहां पहुंचे, नीरज पटेल यहां पहुंचे, निषाद जी पहुंचे, सुनील भाई पहुंचे, गुरु प्रसाद जी, तमाम लोग जो मंच पे हैं, जो सामने बैठे, हमारे सामने सुमित चौहान जी बैठे हुए दिल्ली से आए, कोई नहीं सोचा था कि हम यहां पहुंचेंगे, लेकिन हम यहां पहुंचे, आप लोग यहां पहुंचे, क्योंकि भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू था। 25 साल बाद, 50 साल बाद हमारे आपके घरों के बच्चे हमसे पूछेंगे, साहब कि तुम जब आए थे तो तुम्हारे सामने संविधान लागू था, सरकारी नौकरी बची थी, आरक्षण बचा था, सामाजिक न्याय बचा था, 25-50 साल बाद तुम हमें क्या सौंप कर गए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, सारा संविधान खत्म, सारा सामाजिक न्याय खत्म, यही हम अपने बच्चों को सौंप के जाएंगे। इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई अपने घर से लड़िए, कर्मकांड को बाहर करिए, वैज्ञानिक चेतना अपने घर में लाइए। अर्जक संघ वाले बैठे हुए हैं, मैं हर जगह उनका नारा पढ़ रहा हूँ, और सही बताएं साहब, जब से अर्जक संघ का नारा पढ़ा था ना, हिम्मत और हौसला लिया था। पेरियार ललई सिंह यादव को जब पढ़ा, बलिदान न सिंह का होते सना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ा था साहब, जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ उसी समय बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते थे। फूलन देवी पर बात कर रहे ना साहब, जो दुर्गा की पूजा करती थी, वो 1995 में जाकर तथागत बुद्ध को स्वीकार करके बुद्धिस्ट बन जाती हैं। यही विरासत, यही बात अपने लोगों को समझानी, और तब वो लड़ाई, और ओबीसी समाज के लोगों को कहा जाता है कि ओबीसी समाज कभी आंदोलन नहीं किया, ओबीसी समाज जागरूक नहीं है। चलिए ले चलता हूं, 1930 में बिहार में त्रिवेणी संघ बना था, बाद में उसे बदनाम भी किया गया, अहिर कुर्मी कोयली 3 लोगों का त्रिवेणी संघ। देखो, जो लड़ेगा ना वही चुभेगा, उसी को बदनाम भी किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी भी उसकी बड़ी है कि अकेले लड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, मिलकर 85% 90%, मैं तो 85 भी नहीं करता, मैं तो 90% कह रहा। और त्रिवेणी संघ का नारा, अर्चक संघ का नारा मिलकर क्या बनता है समाजवादी आंदोलन में, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, ये नारा समाजवादी आंदोलन का। और आगे क्या लिखा, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान,
गिट पिट बोले करे न काम और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की हो संतान या बिरला की हो संतान, चपरासी हो या भंगी, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का दसवां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। हम अपने विरासत को भूल गए साहब, इसलिए हम गुलाम पैदा होने लगे। हमारे पुरखे ने गुलाम गिरी लिखा था, हमारे पुरखे ने जाति का विनाश लिखा था, हमारे पुरखे शिवदयाल सिंह चौरसिया ने बैकवर्ड क्लासेस लीग, डिप्रेस क्लासेस लीग बनाई, ओबीसी समाज के लोगों ने किया, अर्जक संघ में ओबीसी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 1948 में सम्मेलन कराया और 52 में कराया, तो एक की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर से कराई और दूसरे की पेरियार रामास्वामी नायकर से कराई थी। ये बनी हुई है बहुजन एका, हमें उसे जमीन पर ले चलना। केवल यही निवेदन, यही गुजारिश, और जाते जाते बस आपसे केवल इतना कहूँगा कि आप फूलन देवी को याद करने आए थे अगले साल, और जा कर के इन लोगों को, आयोजकों का ताकत बनिएगा, हिम्मत बनिएगा। एक आयोजन करने में कितना मुश्किल होती है, सुनील जी और गुरुप्रसाद जी जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे। एक रुपया चंदा भी किसी से निकलवाना आज कितना मुश्किल हो गया है, लोगों को जुटाना मुश्किल हो गया है। इनकी हिम्मत और हौसला बनिए, ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके आसपास आपके लिए लड़ रहे हैं। कुल्हाड़ी का साथ जंगल की लकड़ियों ने इसलिए दे दिया क्योंकि जंगल की लकड़ियों को कुल्हाड़ी चलाने वाले ने यह समझा दिया कि कुल्हाड़ी की मूठ में लकड़ी भी तो तुम्हारी ही लगी हुई है, और जब तक जंगल की लकड़ियां पहचानती कि वो लकड़ी जो कुल्हाड़ी के साथ खड़ी थी वो हमारे साथ नहीं थी, तब तक जंगल खत्म हो चुका। हमारे अपने लोगों को हमारे खिलाफ भड़का करके उन्हें उस पार्टी में बड़ा बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। पार्टियों से आगे चलिए, एक जन आंदोलन बनाइए, और जन आंदोलन से नेता पैदा होता है। आप ताकतवर होंगे तो ये नेता बदल जाएंगे, आप नहीं ताकतवर होंगे तो ये नेता आपको गुलाम समझेंगे, और अगर ये नहीं बदलते हैं तो नया नेता पैदा करिए साहब अपने बीच से, और गुलामी से मुक्ति, आजाद ख्याली आपको आगे ले जाएगी। हमारा एक दोस्त है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता है और दलित समाज से आता है, उसने फूलन देवी पर कविता लिखी है। इस कविता के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उसकी काया हाड़ और मांस से निर्मित थी ऐसा लोग कहते हैं, वह सही सही पत्थर और आग से बनी थी ऐसा मैं महसूस करता हूं। फूलन ने जब धरती को चूमा तब वह फूल जैसी थी, करुणा के दो फूल सी आंखें, महकती हुई एक मुलायम मन वाली बच्ची, तभी तो माई ने नाम रखा फूलन देवी। हाँ, तो एक दिन जब वह बड़ी हो गई तो जात और दौलत का धतूरा खाए पिशाचों ने, उसकी आत्मा को उसके हड्डी से इतना घिसा कि वह पत्थर हो गई। कुत्सित देवताओं का वरदान पाए अमानुषों ने, तिस पर भी नहीं माना, पत्थर हो गई फूलन को पत्थर से घिसा। इस तरह से तब फूलन आग हो गई। अब जब अय्याश जुवानों के कत कहे फूलन को हत्यारिन कहते हैं, तब मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात की नदियों में जिसने पानी की जगह खून बहाया वह कहाँ है? वह इस कविता में नहीं लिखा है कि वह इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। तब मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात की नदियों में जिसने पानी की जगह खून बहाया वह कहाँ है? कहीं वह देश का नेतृत्व तो नहीं कर रहा? मैं भोपाल और मुजफ्फरनगर से पूछना चाहता हूं, बाबरी और गोधरा से पूछना चाहता हूं,
उन सभी हत्याकांडों के बारे में पूछना चाहता हूं जो समाज सेवा की तरह याद किए जाते रहे हैं, और अब मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार किए बगैर गर्व से सींचे आवाज और सम्मान से तना मस्तक उठाए कहना चाहता हूं, हां वह हमारे इतिहास की बहादुर लड़ाका है। इस देश की आधी मर्द हुई आधी आबादी के बीच वह पहली पूरी औरत है। एक औरत जो अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है, एक औरत जो आत्मा के घाव भरना बताती है, एक औरत जो आत्मा के घाव और हक के लिए लड़ना सिखाती है। बेशर्म कतकहों का क्या है, वे सच छुपाने के लिए चिल्लाकर कहते रहेंगे कि उसकी काया सिर्फ हाड़ और मांस से निर्मित थी, और हम कविता में चुपके से अपनी बात छोड़ आएंगे। फूलन जन्मी तो फूल सी थी, पर वह सही सही पत्थर और आग से बनी थी। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, कुल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।